أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो 12th क्लास के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बुक पे निशान लगवा देता हूँ आपको कि आपने कौन से क्वेश्चंस करके जाने हैं 2023 के लिए कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जाके वॉच कर सकते हैं। ये वीडियो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, मैंने फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि आप हमें बायोलॉजी के सेकेंड ईयर के शॉर्ट क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट बता दें। तो मैंने 5 ईयर्स का 5 पेपर का एनालिसिस करके जो शॉर्ट क्वेश्चंस ढूंढे हैं, तो आप लोग पेंसिल पकड़ लें और निशान लगाते जाएं, मैं आपको बताने लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास चैप्टर नंबर 15 है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस में हमारे पास जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो हमारे पास है इस चैप्टर का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फीडबैक मैकेनिज्म, व्हाट इज़ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपने कर लेना है, फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया चैप्टर का। निशान लगाते जाएं अब। और ऑस्मो रेगुलेशन इन जो प्लांट्स है, इनमें से वो हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट और जीरोफाइट में से आपसे किसी एक का पूछ सकता है, तो आपने इसकी एग्जांपल्स लाजमी देनी होंगी। अगर आपकी बुक पे एग्जांपल्स नहीं लिखी, आप अपने सर से कह के लिख सकते थे, या आपके सर ने लिखवाई भी होंगी, इसके पॉइंट्स बना के आप टेबल में इसको लिख सकते हैं। तो ये तीनों में से एक पूछ सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको लाजमी कर लेना है, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो इस पेज पे हमारे पास ऑस्मो कन्फॉर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर हर साल रिपीट होता है, तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको लाजमी कर लेना है, निशान लगा लें, स्टार बना लें या कुछ भी जो आपको इजी लगता है। ये क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हमारे पास व्हाट इज एंडोहाइड्रोबायोसिस, हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये आता है तो इसकी एग्जांपल आप साथ लिख लें, टार्डिग्रेड आप इसको एग्जांपल में इसकी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ डेफिनेशन है, अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। और मैंने आपको 4 तरीके की वीडियो अपलोड कर दिया कि बायो के सवाल आपने किस तरह सॉल्व करने हैं, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपने एग्जांपल के बगैर वाले सवाल किस तरह सॉल्व करने हैं, डिफरेंस वाले सवाल किस तरह सॉल्व करने हैं, और जिनकी एग्जांपल नहीं है तो उनकी एग्जांपल आपने कहाँ से लेनी है, तो मैंने वो सारी उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है, तो आप उस वीडियो को लाजमी वॉच करें। एनहाइड्रोबायोसिस आपने कर लेना है। फिर नेक्स्ट पेज पे हमारे पास व्हाट इज़ एक्सक्रीटोफोर, एक्सक्रीटोफोर वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने कर लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है यूरिया साइकिल की डायग्राम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली आपने कर लेनी है। फिर उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन स्किन, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यहाँ से शुरू होगा स्किन वाले का, रिमूवल ऑफ सॉल्ट से लेकर, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक, तो यहाँ तक आपने इसका होगा व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन स्किन, तो ये भी आपने लाजमी कर लेना है। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप स्किप कर दें। फिर इसमें ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये शॉर्ट के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसमें आता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, तो ये भी आपने लाजमी कर लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लें आप, स्टार बना लें। फिर उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में हर साल जो पूछा जाता है वो है लिथोट्रिस्पी, तो ये भी आपने लाजमी कर लेना है। ठीक हो गया, एक शॉर्ट क्वेश्चन लिथोट्रिस्पी हो गया इस चैप्टर का। उसके बाद हमारे पास ये जो डायलिसिस की 2 टाइप्स हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, इसकी एक भी पूछ सकता है या दोनों का डिफरेंस भी आपसे पूछ सकता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इस पर भी आप लोग निशान लगा लें। फिर उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का ये जो हम आपके पास टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स हैं, इनमें से एक वो पूछ सकता है पुकीलोथर्म में से या होम्योथर्म में से, ये जितने भी दिए हुए हैं ये आपने लाजमी कर लेने हैं, हेक्टेरोथर्म्स, एक्टोथर्म, एंडोथर्म, इनमें से कोई एक वो लाजमी पूछ लेता है, तो आपने ये सारी प्रिपेयर कर लेनी है। 5 हैं, कोई एक इसमें से पूछने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो एक इसमें से उठा के दे दे, तो आपने ये सारी कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में इस चैप्टर के नॉन शिवरिंग और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फिर उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के ये जो लास्ट पे इसका है टेम्परेचर इन फीवर पायरेक्सिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला पैराग्राफ आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लाजमी कर लेना है, बहुत दफ़ा पूछे जाते हैं, जो 10-10 टाइम्स 20-20 टाइम्स रिपीटेड सवाल है मैं आपको वो बता रहा हूँ, तो आपने निशान लाजमी लगा लेने हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2 स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स पे।
स्पोर्ट एंड मोमेंट्स में सबसे पहले आपके पास टर्गर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा सेल्स और कोलेनकाइमा सेल्स, इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या वो थ्री टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स भी पूछ सकते हैं आपसे, तो आपने ये तीन टाइप्स लिखनी होंगी, तो इस पर भी निशान लगा लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें आता है उसके बाद आपके पास आता है फोटोटैटिक मोमेंट और कीमोटैटिक मोमेंट, तो ये भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, इस पर भी आपने निशान लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला डिफरेंस भी पूछ सकता है और एक भी आपसे पूछ सकता है, तो ये आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद आपके पास आता है एपिनास्टी, एपिनास्टी शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको भी लाजमी कर लेना है, एपिनास्टी सिर्फ करना है। एपिनास्टी और हाइपोनास्टी आपसे दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है, लेकिन नोटेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइपोनास्टी और एपिनास्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो है ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हैं सारे, तो ये टॉपिक भी सारा लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। फिर इसका जो लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 29 पे, डिस्क्राइब द एग्जोस्केलेटन ऑफ फाइलम मोलस्का, तो ये वाला पैराग्राफ भी आपने कर लेना है एज अ शॉर्ट के लिए। और इससे ऊपर वाला पैराग्राफ जो एग्जोस्केलेटन का, डिस्क्राइब द एग्जोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको लाजमी दोनों पैराग्राफ्स को कर लेना है। फिर उसके बाद आपके पास फंक्शन ऑफ एंडोस्केलेटन जो है ये लॉन्ग के लिए भी पूछे जाते हैं, तो अगर आपको लॉन्ग के लिए आते हैं तो आप इसको शॉर्ट में भी इजीली लिख सकते हैं, तो ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है, तो आपने इसको कर लेना है। और फिर एडवांटेजेस ऑफ एक्सोस्केलेटन जो है ये भी आपने लाजमी कर लेनी है इस चैप्टर की। फिर ये जो एक्टाइसिस और माउल्टिंग है ये भी बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा जाता है, तो आपने इसको भी लाजमी कर लेना है इस चैप्टर का। फिर उसके बाद आपके पास बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है आपसे शॉर्ट में, ठीक है, जब आपसे पूछा जाएगा तो आपने, फिर आपके पास बोन की टाइप्स पूछी जा सकती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, नेम दी टाइप्स ऑफ सेल्स रिलेटेड टू बोन्स, सेल्स के नाम आपने लिखने हैं, तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोन फॉर्मिंग सेल्स से लेके यहाँ तक आपने लिखना है, और इसकी ये जो है डायग्राम्स ये आपने लाजमी बनानी है, फिर आपको दो में से दो नंबर पूरे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास हाइलाइन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, थोड़े से ज़्यादा हैं इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस, लेकिन छोटे छोटे से हैं, देखें एक एक लाइन का है, ये भी एक लाइन का, और इसके साथ डायग्राम है, ये भी इसके फंक्शंस भी इतने ईजी हैं, एडवांटेजेस भी इतनी ईजी हैं, एक्डाइसिस और मोल्टिंग के भी पॉइंट्स बने हुए हैं, तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। एक्सियल स्केलेटन वो आपसे बोन्स पूछ सकता है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, किसी भी रीजन के आपसे बोन्स पूछ सकता है, तो आपको इसका पूरा स्केलेटन का टॉपिक अच्छे तरीके से आना चाहिए, एक्सियल स्केलेटन का भी, और ये एक्सियल स्केलेटन है सारा, और आपको अपेंडिकुलर स्केलेटन का भी सारा पता होना चाहिए। वो ऐसे पूछ सकता है कि पेक्टोरियल ग्रिडल एंड फोल्ड लिम्ब बोन्स के जो उसमें होता है वो उस बोन्स के नाम लिखें, तो आपने फिर सारा बताना होगा कि इसमें स्कैपुला होता है, फिर सुपर स्कैपुला होता है एंड क्लेविकल होता है, फिर ये सारा आपने इस टॉपिक को आपने समझ के करना है, आपको पता होना चाहिए कि किसमें कितनी बोन्स हैं। फिर उसके बाद जॉइंट्स है, ये ज़्यादातर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, अगर आपने लॉन्ग के लिए इसको रेडी किया है तो इनमें से वो एक पॉइंट उठा के आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आता है तो आपने उसकी एग्जांपल भी साथ में लाजमी देनी है। फिर उसके बाद आपके पास इन डिजीज़ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके पास एथराइटिस है, एथराइटिस और डिस्क स्लिप, ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक डिजीज़ है रैकेट्स भी बहुत ज़्यादा एज अ शॉर्ट के लिए पूछा जाता है, तो आपने इसको भी लाजमी कर लेना है। उसके बाद आपके पास ये जो है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मसल्स आपसे पूछे जा सकते हैं शॉर्ट में, तीन मसल हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल, इनमें से आपसे वो कोई एक मसल आपको एज अ शॉर्ट के लिए पूछ सकता है। फिर ये जो टॉपिक है ये सारा आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। फिर ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सारा लिखना होगा, ठीक है। फिर आपके पास व्हाट इज रिगर मोर्टिस पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसका निशान एटीपी से लेके रिगर मोर्टिस तक लिखना है, और फिर आपने एंड पे लिखना है हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड, इसी में आपने इसका ये सारा एक्सप्लेन करना होगा। फिर उसके बाद इसमें आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो
मसल फटीग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रैम्प और टैटनी इतना टैटनी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट है ये एंटागोनेस्टिक, ये शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ एंटागोनेस्टिक मसल, तो इसकी एग्जाम्पल भी आपने साथ देनी है और इसकी डेफिनेशन ये है, तो ये वाला शॉर्ट भी आपने लाजमी कर लेना है। इसके बाद ये जो लोकोमोशन वाले हैं, लोकोमोशन को आप स्किप कर दें क्योंकि मेरे ख्याल से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है ना एक्टिव फ्लाइट और पैसिव फ्लाइट, तो इनको आपने लाजमी कर लेना है एज अ शॉर्ट के लिए, तो ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास लोकोमोशन इन मैमल्स पूछ सकते हैं, तो ये वाला भी आपने लाजमी कर लेना है। अभी इस चैप्टर के मैंने आपको सिलेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं, लेकिन अगर आप ये पूरा चैप्टर करेंगे तो इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ये मैंने आपको 5 ईयर्स वाले बता रहा हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 17 पे, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में आपके पास ये जो सारे हैं ना प्लांट हार्मोन्स, इनमें से कोई भी उठा के आप में आपको शॉर्ट में पूछ सकता है किसी की भी वो उठा के कमर्शियल एप्लीकेशन पूछ सकता है या उसके पॉइंट्स पूछ सकता है, तो आपने सारा लिखना होगा उसमें। अब थोड़ी अजान होना शुरू हो गई है, तो मैं फिर ज़रा अजान के बाद वीडियो कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अजान के बाद वीडियो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं थोड़ी देर बाद वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, मैं नमाज़ पढ़ के उसके बाद आपकी वीडियो जो आगे होगी वो स्टार्ट करूँगा। चलें जी, वेलकम बैक। अब हम अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि प्लांट हार्मोन्स में से कोई भी वो एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है या किसी की भी आपसे कमर्शियल एप्लीकेशन पूछ सकता है, तो ये आपने अगर लॉन्ग के लिए रेडी किया है तो आप इसको शॉर्ट में इजीली लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इस टॉपिक में इतने इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं हैं। उसके बाद न्यूरॉन की डेफिनेशन आपने लाजमी कर लेनी है, ठीक है। न्यूरॉन की डेफिनेशन, उसके बाद इफेक्टर की डेफिनेशन, इफेक्टर के बाद रिफ्लेक्स आर की डेफिनेशन आपने कर लेनी है अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद नर्व इंपल्स में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसकी डेफिनेशन शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आपके पास साइनैप्स एज अ लॉन्ग ही पूछा जाता है, लेकिन ये जो इसका है ना कम्युनिकेशन अक्रॉस साइनैप्स, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इसमें आपको ब्रेन का टॉपिक अच्छे तरीके से आना चाहिए, वो किसी भी हेडिंग का आपसे पूछ सकता है। मिड ब्रेन के बारे में कहेगा, हिंड ब्रेन का पूछ सकता है, या आपसे फंक्शंस पूछ सकता है किसी के भी, हाइपोथैलेमस के फंक्शन पूछ सकता है, तो ये वाले आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से सारा प्रिपेयर कर लेना है। ये ब्रेन वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमडी कैट के रिलेटेड भी और आपके जो एफएससी के बोर्ड एग्जाम है उसके रिलेटेड भी, तो इसको आपने फुल प्रिपेयर करना है। देखें, अगर आपने एफएससी रखी है ना, तो एफएससी बिल्कुल भी इजी नहीं है। अगर आपने ये सोच के रखी थी कि हम लोग आराम से पास हो जाएंगे पढ़े बगैर, तो एफएससी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आपने जो जो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन से, मैं अभी सिलेक्टिव बता रहा हूँ, अगर मैं आपको एक एक बताने बैठूँ ना तो तकरीबन इस बुक के बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, जिसको आप अब तो प्रिपेयर कर नहीं सकते अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट की है। लेकिन जो टॉपर्स बचे हैं, अगर वो ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, और जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है वो ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह उनके 80-90% मार्क्स इजीली आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, वो सिंपैथेटिक सिस्टम पूछ सकता है और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम भी पूछ सकता है, तो ये भी शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नर्वस डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीन है आपके पास, इनमें से कोई एक पूछ सकता है आपसे डिजीज़। एपिलेप्सी पूछ सकता है, पार्किंसन डिजीज़ पूछ सकता है, अल्जीमर डिजीज़ आपसे पूछ सकता है। फिर ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन कोऑर्डिनेशन, इफेक्ट ऑफ निकोटीन, एक्शन ऑफ निकोटीन, ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने लाजमी कर लेना है। फिर उसके बाद हॉर्मोन्स वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हॉर्मोन की डेफिनेशन आपको लाजमी आनी चाहिए, हॉर्मोन की डेफिनेशन कर लेनी है। ये वाला जो सारा टॉपिक है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपसे ग्रेव डिजीज़ पूछा जा सकता है,
जिस डिजीज़ का नाम है ना वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ग्रेव डिजीज आपने कर लेना है। और फिर उसके बाद आपसे व्हाट इज डायबिटीज इन इंसिपिडस, ये भी आपने कर लेना है। फिर ये फंक्शन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड भी आपसे पूछ सकता है, तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने कर लेना है। फिर उसके बाद आर्डिनल्स का टॉपिक आ जाता है, एड्रिनल्स का टॉपिक, इसमें आपने जो करना है गैस्ट्रिन और सिक्रीशन का डिफरेंस आपसे पूछ सकता है, तो आपने ये वाला लाजमी कर लेना है। फिर उसके बाद ओवरी, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टिस, इनके बारे में आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है, इनका आप फंक्शन पूछ सकता है, तो ये वाले टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। फीडबैक मैकेनिज्म चाहिए एज अ लॉन्ग के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास इंजीनियर्ड बिहेवियर आपसे पूछ सकता है, ठीक है, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर आपसे पूछ सकता है। फिर आगे जो है ये आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो इम्प्रिंटिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट के लिए, और हैबिटुएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को भी आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद ये जो आ गया है इसको आप स्किप कर दें। फिर उसके बाद हमारे पास रिप्रोडक्शन चैप्टर आ गया है, रिप्रोडक्शन के जो सारे हमारे स्टार्ट वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। पार्थेनोकार्पी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट के लिए। उसके बाद सीड और मैसी, और उसके बाद फ्रूट सेट और फ्रूट राइपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से एक लाजमी पूछ सकता है, ये भी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ क्लाइमेट्रिक, ठीक है, तो ये भी आपने लाजमी कर लेनी है। उसके बाद ये वाला आप लोग स्किप कर सकते हैं, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे खुद ही कहा है कि आप हमें निशान लगा दें ताकि हमें थोड़ा इजी हो जाए। फिर उसके बाद ये जो बॉक्स है व्हाट इज़ एपोमेक्सिस का, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉक्स वाली। और उसके बाद डाइप्लोइड, पार्थेनोजेनेसिस, और डाइप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये वर्नालिसेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास आइडेंटिकल ट्विन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद हमारे पास ओवी पैरस, वीवी पैरस, इसकी एग्जांपल्स और डेफिनेशंस ये भी बार बार पूछी जाती हैं। व्हाट इज़ ओवी वीवी पैरस, तो ये आपको तीनों होनी चाहिए, 20 times उन्हें ये वाला रिपीट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड में आता है, एक भी दे सकता है, दो का डिफरेंस भी पूछ सकता है या तीनों का डिफरेंस दे सकता है, तो ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये एज अ लॉन्ग के लिए आपने कर लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास फीमेल का जो है ये भी लॉन्ग के लिए है। उसके बाद आपसे रोल ऑफ प्लीसेंटा पूछ सकता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है, तो आपने ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद इसमें शॉर्ट क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला टॉपिक जो है ना एंड वाले, ये एज अ लॉन्ग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे बर्थ का प्रोसेस सिर्फ एज अ शॉर्ट में पूछ सकता है, तो ये आपने ये वाला पैराग्राफ लिखना होगा, या हाँ ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ। उसके बाद आपके पास ये जो डिजीज़ हैं ये एज अ लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एज अ शॉर्ट भी पूछ सकता है, अगर लॉन्ग के लिए नहीं आती तो वो कोई एक डिजीज़ आपको एज अ शॉर्ट के लिए पूछ सकता है, तो इस टॉपिक को भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है रिप्रोडक्शन के चैप्टर में। उसके बाद आपके पास आता है ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन एपिकल मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम, ये एज अ लॉन्ग अगर आता है तो आपने तीनों लिखनी है, सारा डायग्राम बनानी है, लेकिन एज अ शॉर्ट आता है तो आपने मतलब एज अ शॉर्ट आएगा तो एक ही पूछेगा आपसे, तो एज अ शॉर्ट के लिए अगर आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर किया है तो आप इसको शॉर्ट में इजीली कर सकते हैं। ये वाला जो पूरा टॉपिक है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, फिर आगे ये वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास ग्रोथ कोलिरेशन की डेफिनेशन एज अ शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये जो है ना कंपेंसेटरी इफेक्ट और इनहिबिटरी इफेक्ट, तो ये आपने लाजमी कर लेना है, इसका डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लें। फिर उसके बाद मैं जो जो बता रहा हूँ आपने निशान लगा लेने हैं। ये वाला जो डेवलपमेंट ऑफ चिप का है इसका आपने सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इस टॉपिक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट, व्हाट इज एरिया पेलुकिडा एंड एरिया ओपेका, ये वाला दो अगेंस्ट चैप्टर के, व्हाट इज ब्लास्टुला ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज डिस्कॉर्डियल क्लीवेज ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक का प्रिमिटिव स्ट्रीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
प्रीमिटिव नोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीमिटिव प्रीमिटिव ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैंसन नोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फिर उसके बाद आपके पास ये वाला पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला भी आप स्किप कर सकते हैं। जो अगर आपने इनको शॉर्ट के लिए रेडी किया है तो आप अगर एज अ लॉन्ग भी आता है तो आप इसको इजीली सॉल्व मतलब अपने शॉर्ट क्वेश्चन को या लॉन्ग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट्स को मिला के लिखेंगे तो आपका एक लॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। वो आपसे उसका टाइप्स पूछ सकता है, कितनी टाइप्स हैं साइटोप्लाज्म की और उनके कलर कहाँ से कहाँ तक होता है। इट प्रोड्यूसेस लार्वा एपिडर्मिस, ये तो ये चार हैं तो ये आपने लाजमी कर लेने हैं एज अ शॉर्ट के लिए। उसके बाद ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके बाद एम्ब्रियोनिक इंडक्शन भी आपसे एज अ शॉर्ट के लिए पूछा जा सकता है, तो इस टॉपिक को भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। रीजनरेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है शॉर्ट में, और किसी साथ आप उसकी कोई एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आपको एज अ लॉन्ग आएगा तो आपने सारी एग्जाम्पल उसकी जो होंगी टाइप्स उसकी देनी होगी। रीजनरेशन इन प्लानर हीलिंग, रीजनरेशन इन मैमल्स, ये सारा आपने उसमें लिखना होगा, स्टार फिश में, स्पॉन्जिस में इसकी रीजनरेशन। फिर उसके बाद आपके पास एबनॉर्मल डिवेलपमेंट आता है, तो इसमें जो हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है टेराटोजन्स, ठीक है, टेराटोजन्स आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है एज अ लॉन्ग के लिए आपने कर लेना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 20 पे। चैप्टर नंबर 20 में हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम जो है ना, कैरोटाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट के लिए, तो इसको आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है वो न्यूक्लियोसोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद हमारे पास हेक्टेरोक्रोमैटिंग एंड इकेरोमैटिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस हर साल पूछा जाता है तो ये आपने लाजमी कर लेने हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज़ फॉस्फोस डाइस्टर बाउंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला आपने लाजमी कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही बता रहा हूँ। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एरविन चारगुफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर आपकी बुक पे क्वेश्चंस भी नहीं लिखे हुए तो आप लोग मेरी बुक से देख के अपने क्वेश्चन अपनी बुक पे मार्क कर सकते हैं अगर आपकी बुक पे नहीं हुए हुए। उसके बाद इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग के लिए, लेकिन एज अ शॉर्ट भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद जो आगे ये एक्सपेरिमेंट है ये एज अ लॉन्ग के लिए है। फिर उसके बाद हमारे पास रेप्लिकेशन प्रोसेस भी लॉन्ग के लिए है। ये जो व्हाट इज़ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, ये एज अ शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको भी कर लेना है। उसके बाद हमारे पास व्हाट आर लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस पूछा जाता है तो ये आपने लाजमी कर लेना है। आप स्कॉलर के बायोलॉजी के नोट्स बाय कर लें तो उसमें इस तरह के होते हैं, जैसे मेरे पास अभी केमिस्ट्री के पढ़े हैं ना, इस तरह के आपके पास इस ईयर के आपने बायोलॉजी के बाय कर लेने हैं, तो उसमें डिफरेंस के सवाल इजीली सॉल्व हुए हुए हैं और आपको मतलब के निशान भी अगर नहीं लगे हुए तो आप लोग अगर वो बाय कर लेते हैं और वो वाले सवाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके 80-90% मार्क्स आ सकते हैं। 75-80 मार्क्स इजीली आप अपने बायोलॉजी के पेपर में ले सकते हैं कम तैयारी में और कम दिनों में। उसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट इज़ सेंट्रल डोगमा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन लिखी है और साथ आपने इसकी एक एग्जांपल दे देनी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ आरएनए, ये सारा लॉन्ग के लिए है। जेनेटिक कोड आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लेना है, व्हाट इज़ जेनेटिक कोड, और ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ नॉनसेंस कंडोन्स, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेशन आता है, ये सारा टॉपिक आपने एज अ लॉन्ग के लिए कर लेना है। एक म्यूटेशन है और एक म्यूटेजेंस है, तो ये भी एज अ शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसका डिफरेंस आपकी बायोलॉजी का जो आप वो बाय करेंगे ना पास्ट पेपर तो उसमें आपका होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 21 पे, सेल साइकिल। सेल साइकिल में हमारे पास व्हाट इज़ इंटरफेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ जो फेसेस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ इंटरफेस कर लें यहाँ से, ठीक है, ये आप स्किप कर दें। व्हाट इज़ जियो फेस, ये भी स्किप कर दें। व्हाट इज़ एस फेस कर लें, ठीक है, एस फेस कर लें, जी टू फेस कर लें इसमें, और बस तीन ही है इसमें। और उसके बाद डिफाइन माइटोसिस और मियोसिस आपको आनी चाहिए। उसके बाद प्रोफेज और मेटाफेज का डिफरेंस पूछ सकता है, या एनाफेज टेलोफेज का डिफरेंस पूछ सकता है, या किसी एक को भी पूछ सकता है, तो आपको ये सारी आनी चाहिए। साइटोकाइनेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद कंपेयर माइटोसिस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद
माइटोटिक अपरेटस हर साल पेपर में रिपीट होता है, तो इसको भी आपने लाजमी कर लेना है। बट इस क्रोमैटिन की डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और माइटोटिक अपरेटस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तकरीबन 20 दफ़ा पूछा जा चुका है ये वाला सवाल, तो आपने इसको लाजमी करना है। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वट इज़ ये वाला जो है ना मैगलिग्नेंट ट्यूमर, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश दी कैंसर सेल, तो ये वाला भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आपने यहाँ से यहाँ तक लिख के फिर कैंसर से लेके डिवीजन तक कर लें, ठीक है, ये वाला आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर मेयोसिस की डेफिनेशन, प्रोफेज, इसमें भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है, तो ये भी आपने सारे कर लेने हैं। ये जो लिखे हुए हैं जाइगोटीन, लिप्टोटीन, डाइप्लोटीन, पैचिटीन, तो ये सारा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है डाउन सिंड्रोम, के लाइन फिल्टर सिंड्रोम और टर्नल सिंड्रोम, इसमें एज अ शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर एज अ लॉन्ग इस दफ़ा इस चैप्टर में से लॉन्ग भी आना है तो ये जो है ना डिजीज़, ये ज़्यादा चांस है कि वो आपको एज अ लॉन्ग में पूछ ले, ठीक है। अगर आता है तो इसका आपने ये सारा डायग्राम बना देनी है, इंशाल्लाह आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्ट, इस बुक का मोस्ट लॉन्ग चैप्टर और काफ़ी बच्चों को इसमें मुश्किल होती है, लेकिन मैं इसमें से आपको कम शॉर्ट क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। पहले आपने जीनोटाइप और फीनोटाइप का डिफरेंस कर लेना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने लोकस की डेफिनेशन कर लेनी है, जंपिंग जीन्स की डेफिनेशन कर लेनी है, जो बॉक्स है आपका साइड पर। उसके बाद आपने इसमें ये आप सारा स्किप कर दें, होमोजाइगोट और होमोजाइगस इसका डिफरेंस कर लेना है। इसके बाद आपके पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपने कर लेना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फिर उसके बाद आपने डाईहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस का डिफरेंस कर लेना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपने कर लेना है। उसके बाद आपके पास इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो डोमिनेंस के जो है ना, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से लाजमी एक पूछ सकता है, कंप्लीट डोमिनेंस पूछ सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूछ सकता है या को डोमिनेंस पूछ सकता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, एक आने के बहुत ज़्यादा चांस है। फिर उसके बाद आपका ओवर डोमिनेंस भी है, ये आपने चारों अच्छे तरीके से कर लेना है, इसमें से एक लाजमी पूछेगा। उसके बाद हमारे पास इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मल्टीपल एलील्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपने एज अ शॉर्ट के लिए कर लेना है। उसके बाद ये स्किप कर दें, ये भी स्किप कर दें। इसमें जो ये है ना एर्थ्रोब्लास्टोसिस फोर्टेल्स, तो ये आपने लाजमी कर लेना, ये एज अ शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास एपिस्टेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट के लिए। उसके बाद हमारे पास ये सारा स्किप कर दें, इसमें शॉर्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जीन लिंकेज शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इस क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन लिख के उसके साथ आप इसको यहाँ तक एक्सप्लेन करेंगे तो आपको 2 में से 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। और इसमें इसको स्किप कर दें, ये सारा टॉपिक जो है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपने करना है, ये भी स्किप कर दें आप लोग। फिर उसके बाद ये जो एंड पे है ना जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, आपको पता होना चाहिए कि प्रोटेनोपिया क्या होता है, रेड ब्लाइंडनेस होता है, डिटेरोनोपिया क्या होता है, ग्रीन ब्लाइंडनेस, ट्राइटेनोपिया क्या होता है, ब्लू ब्लाइंडनेस, ठीक है। फिर मोनोक्रोमेसी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद इसमें आपके पास व्हाट इज हाइपोस्पैटेनिक रैकेट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट कर लिया करें, अगर अपने पास हाईलाइटर रखें, जैसे मैंने हर चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है और ज़्यादातर मैंने एम डी कैट दिया था तो उसके लिए मैंने हाईलाइट किया, तो बुक काफ़ी अच्छी लगती है और पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा। उसके बाद आपने शॉर्ट के लिए करना है, बस यही आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लें, तो इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो इनमें से ही आपके आ जाएंगे। मैंने बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं चैप्टर 22 के, हालांकि बहुत ज़्यादा बनते हैं। फिर उसके बाद आपके पास चैप्टर 23 बायोटेक्नोलॉजी में आपने व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें आपने ये 4 पॉइंट्स लिखने होंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू गेट अ जीन, ये इसके 3 वेज हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने कर लेना है। फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपके पास पैलिड्रोमिक सीक्वेंस और
और रिस्ट्रिक्शन एग्जाम्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। आपके स्कॉलर के बाय करेंगे ना उस पर लिखा होगा वट आर प्लासमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वट आर मोलिकुलर कैरियर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे से हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप कर दें, वट इज़ क्लोन वाले को। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का वट इज़ पीसीआर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास एनालाइजिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद वट आर द यूजेज ऑफ पीसीआर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेज 209 पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीसीआर के यूजेज जो हैं। फिर उसके बाद आपके पास ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म्स, ठीक है। वट इज़ न्यूट्रास्वीड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हाउ कैन वी यूज़ ट्रांसजेनिक मटेरियल टू रिड्यूस पोल्यूशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वट आर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कर लें, वट इज़ न्यूट्रास्वीड कर लें। उसके बाद हाउ, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद हाउ कैन वी मेक ट्रांसजेनिक एलिमेंट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया, आपको पता होना चाहिए। इन दोनों की डेफिनेशन एक ही है, तो आप इसको स्कॉलर के जो बाय करेंगे उनमें से कर लें, वहाँ पर छोटी लिखी हुई है थोड़ी, और इसको स्किप कर दें। वट इज़ जीन थेरेपी कर लें, वट इज़ SCID कर लें, ठीक है। इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक तो होगा। वट इज़ साइस्टिक फाइब्रोसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और हार्ट डिजीज़ का ट्रीटमेंट और कैंसर का ट्रीटमेंट, हाउ जीन थेरेपी कैसे करती है कैंसर का ट्रीटमेंट और हार्ट डिजीज़, तो ये दो पैराग्राफ भी आप कर लें, ये पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें और ये भी एक डिजीज़ है, हीमोफीलिया, तो ये भी आप कर लें। तीन डिजीज़ हैं जो जीन थेरेपी के थ्रू हम उसको यूज़ करते हैं, जीन थेरेपी इसमें। और इसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट है, वट इज़ लूसोफेरन एंड लूसोफिरोस फिरास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट के लिए। जिसके बाद ये सारा टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं, ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया बायोटेक्नोलॉजी का। उसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर 24 एवोल्यूशन पे। एवोल्यूशन में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है, कहाँ गया, एंडोसिम्बियोट हाइपोथीसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद इसमें बस ये दो ही आपने करने हैं। और फिर इसमें आपका आता है आगे, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, हाउ फ्लैजिला एंड क्लोरोप्लास्ट माइट हैव एवोल्यूशन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है, ये आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद ये वाला भी पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, रेड लाइन में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपके पास इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो इसको स्किप कर दें, ये लॉन्ग के लिए है, ये भी लॉन्ग के लिए है। नियो डेरिविज़म शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने कर लेना, हर साल रिपीट होता है, 10 to 20 टाइम्स रिपीट हो चुका होगा ये वाला। फिर उसके बाद ये जीन, इसमें वो अगर आपको लॉन्ग देगा, अगर आपने इन सबको शॉर्ट के लिए रेडी किया है ना, तो अगर आपने शॉर्ट के लिए रेडी किया तो आप लॉन्ग अगर आता है तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं। तो इसी तरह आपने इसको कुछ भी वो पूछ सकता है, इसमें शॉर्ट में फॉसिल रिकॉर्ड पूछ सकता है, बायोजियोग्राफी पूछ सकता है आपसे, कंपैरेटिव एनाटॉमी पूछ सकता है, तो इसको आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लेना है लाजमी। तो इसमें अगर आप लॉन्ग शॉर्ट आ जाता है तो आपसे पूछ लेगा, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए बायोग्राफी फॉसिल रिकॉर्ड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंपैरेटिव वाला। और इस वेस्टिजियल ऑर्गन्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 to 20 टाइम्स रिपीट हो चुका है, इसकी एग्जाम्पल लिखें और साथ इसकी डेफिनेशन लिखें। कंपैरेटिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे। और मॉलिकुलर बायोलॉजी, बल्कि ये शॉर्ट नहीं, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉलिकुलर बायोलॉजी और कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, ये एज अ डिफरेंस लॉन्ग में पूछा जा सकता है, तो इसको आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। व्हाट इज़ पॉपुलेशन एज अ शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज़ जीन पूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास व्हाट इज़ फिक्स्ड जीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जो सारा ये आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कर लें। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 25 आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपने व्हाट इज़ पॉपुलेशन, व्हाट इज़ कम्युनिटी, व्हाट इज़ हैबिटेट, व्हाट इज़ बायोस्फीयर, व्हाट इज़ इकोलॉजिकल निक, तो इसका भी डेफिनेशन आपने कर लेनी है। इसकी डेफिनेशन ये बॉक्स में है, ये बॉक्स लिखेंगे तो आपको साथ एक एग्जांपल दे सकते हैं। व्हाट इज़ ऑटोकोलॉजी एंड व्हाट इज़ साइनोकोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपने कर लेना है, 10 to 20 टाइम्स रिपीट हो चुके हुए हैं। ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स का डिफरेंस पूछ सकता है, एक डेफिनेशन लिखें, सारे एग्जांपल लिखें, इजी चैप्टर है ये वाला। प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर एक पूछ सकता है, दो भी पूछ सकता है, लेकिन आपने इसकी एग्जाम्पल साथ मस्ट देनी है। फूड चेन की डेफिनेशन, फूड वेब की डेफिनेशन पूछ सकता है, वैसे ये है लॉन्ग, लेकिन डेफिनेशन सिर्फ एज अ शॉर्ट के लिए पूछी जा सकती है। फिर उसके बाद आपके पास पैराडिज्म एंड सिग्निफिकेंस,
रिडक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस ये लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज अ शॉर्ट भी बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसको आपने लाजमी कर लेना। 10 to 20 टाइम से भी रिपीट हो चुका है। प्रे की डेफिनेशन पूछ सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसकी एग्जाम्पल लेनी है, और इनमें से वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, साइम्बियोसिस, रूट नूडल्स, माइकोराइजा, म्यूचुअलिज्म, तो इनमें से शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपने लॉन्ग के लिए रेडी किया तो आप इसको शॉर्ट में ईजिली लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें कमेंजिलियम लाइचेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 to 20 टाइम्स रिपीट हो चुका है, इसको भी आप लाजमी कर लें। नाइट्रोजन साइकिल आपको पता है लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 to 20 टाइम्स रिपीट हो चुका हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 26 पे, सम मेजर इकोसिस्टम, इसमें आपने कर लेना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइटोप्लांकटन और जूप्लांकटन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिम्नेटिक जोन, लिटोरल जोन और प्रोफंडल जोन, इनमें से एक भी पूछ सकता है और तीनों भी पूछ सकते, दो भी पूछे जा सकते हैं। दो का डिफरेंस ज़्यादातर होता है कि वो जूप इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है या इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है, और जूप्लांकटन और फाइटोप्लांकटन का लहदा से डिफरेंस भी एज अ शॉर्ट के लिए पूछ सकता है। फिर आपसे वो वेदर की कंडीशंस पूछ सकता है, इनके नाम पूछ सकता है आपसे। सम मेजर इकोसिस्टम इन पाकिस्तान, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एज एमसीक्यू से पूछा जा सकते हैं कि टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में कहाँ पे होते हैं। तो आपने, आपको अगर पता होगा शॉर्ट क्वेश्चन में शोग्रान एंड नीलम वैली तीन ऑप्शन होंगे, तो आपने इस पर करना होगा। तो इस टेबल को आपने अच्छे तरीके से कर लेना एज अ शॉर्ट और एज एमसीक्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सारा आपको बताना चाहिए, राइट डाउन दी लोकेशन ऑफ टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। तो ये हर फॉरेस्ट की ना आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ पे हैं, और इसमें रेनफॉल कितनी होती है, उसका टेम्परेचर पता होना चाहिए, प्लांट्स कितने हैं, एनिमल्स कितने हैं, तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होनी चाहिए। तो ये सॉइल कंडीशन, ह्यूमन इम्पैक्ट, हर किसी का आपने लाजमी कर लेना है। बट इस टाइगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 to 20 टाइम्स रिपीट हो चुका है। फिर उसके बाद अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट, 10 to 20 टाइम्स रिपीट हो चुका है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में। और ये वाले जो है ना, ये जो इनकी लोकेशन है, ये रेयर चांस होते हैं पूछे जाए, लेकिन टाइगा जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया वो वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोकेशन भी। और ये वाला जो है कंपेयर प्राइरस एंड सवाना, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 to 20 टाइम्स रिपीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसमें आप लेयरिंग कर लें, लेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द लेयरिंग ऑन ग्रास लैंड इकोसिस्टम, ये 10 to 20 टाइम्स रिपीट हो चुका है, ये वाला आप लाजमी कर लें। ये जो आगे हैं ये इतने रिपीट नहीं हुआ, लेकिन जो है ना लेयरिंग वाला, ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, एक और पेज है इसका। और थर और थर का डिफरेंस 10 to 20 टाइम्स रिपीट हो चुका हुआ है, तो वो भी आपने लाजमी कर लेना है, ठीक है। स्कॉलर के नोट्स लेंगे, उसमें लिखा होगा इसका डिफरेंस। फिर ठंडरा इकोसिस्टम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो स्टार्ट वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 27 इस बुक का लास्ट चैप्टर है, तो इस बुक के लास्ट चैप्टर में आपने जो है रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कर लेना है, इसकी डेफिनेशन सारे एग्जांपल लिखनी है। फिर उसके बाद इस चैप्टर में फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल, वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एज अ शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टाइडल पावर और हाइड्रोलैक्टिक पावर का डिफरेंट पूछा जा सकता है, या वाइंड पावर भी आपसे पूछ सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद इसमें जो है वो आपसे यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आपसे पूछ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पोल्यूशन एक्सप्लोजन आपसे पूछ सकता है और पोल्यूशन प्रेशर पूछ सकता है, एज अ शॉर्ट का डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा याद कर लेना, साथ थोड़ी सी इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखना कि इसमें इतने बिलियन पीपल इतने साल पहले थे, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन साथ आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं जिसकी आपके पास एग्जाम्पल नहीं होती, इस तरह वो आपको दो में से दो नंबर दे देगा। ये टेबल कर लें, रीजन फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, तो ये भी टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट के लिए। फिर उसके बाद आपके पास डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन, ये तीन डेफिनेशन है जो एज अ शॉर्ट के लिए पूछी जा सकती हैं। राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आ जाता है तो आपने इतना लिखना होता है, लेकिन इसमें आपने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन खुद ऐड कर लेनी है। इन्वायरमेंटल बफर 10 to 20 टाइम एज अ शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें प्लूटेंट की डेफिनेशन आपने कर लेनी है लाजमी, एयर से लेके प्लूटेंट, ये यहाँ से यहाँ तक, बट इस प्लूटेंट्स की डेफिनेशन। फिर उसके बाद ये वाला एज आपने
लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना है, लेकिन इफेक्ट्स जो हैं वो इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस और इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन एज अ शॉर्ट के लिए पूछ सकता है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसके इफेक्ट्स हैं और ग्रीन हाउस की डेफिनेशन और इसके जो रिजल्ट हैं और कॉजेज हैं, कॉजेज ये लिखे हुए हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के। इसमें एक और था ग्लोबल वार्मिंग भी आपसे एज अ शॉर्ट पूछ सकता है, तो आपने ये वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी कर लेना है। उसके बाद हमारे पास एसिड रेन आ जाता है, ये टॉपिक आपने एमसीक्यूज के लिए कर लेना है। इस या इसके इफेक्ट्स पूछ सकता है, क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स के हार्मफुल इफेक्ट्स लिखे हैं, ये एज अ शॉर्ट पूछा जा सकता है, ये टेबल आपने लाजमी कर लेना है। फिर उसके बाद आपसे एसिड रेन की डेफिनेशन और इसकी ये आप लिखेंगे, इसका जो है केमिकल फार्मूला इसका जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इसके एग्जांपल वाटर वेपर्स कैसे बनते हैं, तो ये एसिड रेन की डेफिनेशन और ये लिखेंगे तो आपको शॉर्ट में से दो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो यहाँ से लेके यहाँ लिखना है। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन भी पूछे जा सकते हैं, ग्रीन हाउस के भी पूछे जा सकते हैं इफेक्ट, और ओजोन लेयर के भी इफेक्ट पूछे जा सकते हैं। इफेक्ट्स इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने इनको लाजमी कर लेने हैं। एक का इफेक्ट ज़रूर रिपीट हो जाता है। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज स्टोन कैंसर, यहाँ से लेके इसका जो है ना फिफ्थ पॉइंट, ये इसमें आपने लिखना है तो आपको स्टोन कैंसर की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। इफेक्ट्स आपने लाजमी कर लेने हैं। वाटर पोल्यूशन के बारे में पूछ सकता है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इट्रोफिकेशन, ठीक है। ये एज अ लॉन्ग भी कुछ, अगर लॉन्ग आता है तो यहाँ से यहाँ तक लिख लें, अगर आपके पास शॉर्ट आता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेंगे, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों हो जाएंगे। तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से करना है, ये भी 10 to 20 टाइम्स रिपीट हो चुका हुआ है। और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, हेल्थ डिजीजेज आपके पास आपसे पूछी जा सकती हैं एज अ एमसीक्यूज और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि ये हमारा हमारी दफ़ा स्मार्ट सिलेबस था तो उसमें ये इंक्लूड नहीं था, लेकिन अब आपसे हेल्थ एंड डिजीजेज के जो ये टेबल्स हैं ना आपने वो लाजमी कर लेने हैं। इसमें ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग पास पेपर बाय कर लें स्कॉलर के, ठीक है। अगर आपकी बुक्स पे क्वेश्चन नहीं लिखे तो मैंने आपको पूरी बुक अपनी रिव्यू करवाई है, आप मेरी बुक से देख के अपने बुक पे क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग किसी तरह पास हो जाएं अपने पेपर्स में। बहुत ही ईजी वे बताया है मैंने, अगर इस बुक के मैं वन बाय वन यानी कि डिटेलिंग क्वेश्चन बताने लगूँ ना तो बहुत सारे बन जाएँ, और डिटेलिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा ना तो मैं जो आने वाली नेक्स्ट ईयर होगी ना उसके लिए मैं डिटेलिंग चैप्टर वाइज हर चैप्टर से जितने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे आप लोगों को मार्क करवा दूंगा। लेकिन इस ईयर के शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी इजी वे में बहुत कम वक्त में, आपके पास 10 दिन पड़े हैं, अगर आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस पे 2 दिन भी अगर लगाते हैं, 2 दिन को रटे दें बायोलॉजी को शॉर्ट क्वेश्चंस, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज कर लेते हैं तो आप इजीली पास हो सकते हैं, अगर आपकी पासिंग तैयारी भी नहीं है। सबसे इजी फार्मूला आपको मैंने बताया है कि अब आप इजीली पास हो जाएंगे। आपने अपने कितने नंबर लेने हैं बायोलॉजी में और पूरी एफएससी में आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, मेरी अम्मी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।